तुगज भोजपुरी के बादशाह कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव के फरिश्ता फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और ऐसा जबरदस्त फिल्म देकर आखिरकार खेसारी लाल ने साबित कर ही दिया कि भोजपुरी के सिर्फ एक ही किंग है जिसका नाम है खेसारी लाल यादव। जी हाँ गाइस, आप लोग मानो या ना मानो, जिस तरह से बॉलीवुड का किंग शाहरुख खान है उसी तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री का किंग खेसारी लाल यादव है और यह रियलिटी है। आप लोग कुछ भी कमेंट में लिखने से पहले आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा, फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए फरिश्ता फिल्म का ट्रेलर का बात करते हैं। तो यह ट्रेलर वेब म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल पर रिलीज किया गया है। भोजपुरी का एकमात्र ऐसा ट्रेलर है जिसमें 0% अश्लीलता है और ना ही इसमें अश्लील गाने हैं। फरिश्ता फिल्म के ट्रेलर में 3 या 4 गाने हैं जो कि सभी के सभी गाने साफ सुथरा है। एक गाना पारिवारिक सॉन्ग है और एक ट्रेलर के लास्ट में गाना है जो कि सैड सॉन्ग है। ट्रेलर में सभी के सभी गाने एक से बढ़कर एक है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव पागल वाला रोल कर रहे हैं और गाइस इस फिल्म में खेसारी लाल ने ऐसा एक्टिंग किया है ना कि किसी का भी देखकर रूह कांप जाएगा। एकदम फुल्ली उस कैरेक्टर में घुस गए थे। फरिश्ता फिल्म में खेसारी लाल यादव का एक्टिंग का जितना तारीफ की जाए उतना कम ही रहेगा क्योंकि उन्होंने एक्टिंग ऐसा किया है और ट्रेलर देखते वक्त तो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। खेसारी लाल ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने इस फिल्म में पागल का रोल करने के लिए उन्होंने 21 दिन तक नहीं नहाए थे और ना ही कपड़ा भी चेंज किए थे। तो आज आप लोग सोच ही सकते हो कि इस फिल्म को बनाने में उन्होंने कितना मेहनत किया है। फरिश्ता फिल्म के ट्रेलर में इमोशनल सीन थोड़ा ज्यादा है तो आप लोग को मूवी में भी इमोशनल सीन थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो आप लोग मूवी देखते वक्त दिल थाम के देखिएगा। ट्रेलर में कॉमेडी सीन थोड़ा बहुत था और हॉट एवं रोमांटिक सीन तो गाइस एकदम नहीं था। भोजपुरी का पहला ट्रेलर है जिसमें हॉट एवं रोमांटिक सीन नहीं देखने को मिला। गाइस आप लोग इस फिल्म को किसी के भी साथ देख सकते हो, मम्मी पापा कोई भी हो, चाहे परिवार में किसी के भी साथ आप लोग इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। इस ट्रेलर को देखने से ही पता चलता है कि फरिश्ता फिल्म पारिवारिक रहने वाला है। इस ट्रेलर में मार धार थोड़ा कम था तो आप लोग को फिल्म में भी मार धार कम देखने को मिलेगा। तो गाइस मैं तो इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी गाइस आप लोग फुल मूवी देखोगे तभी आप लोग को कहानी पता चल पाएगा, लेकिन गाइस मैं इस ट्रेलर को 10 से 15 बार देख चुका हूँ तो मेरे को थोड़ा सा इस फिल्म के कहानी का अंदाजा लग चुका है। और हाल ही में खेसारी लाल यादव का एक और फिल्म का टीजर आया था जिस फिल्म का नाम है संघर्ष 2। तो गाइस क्या फरिश्ता मूवी संघर्ष 2 से भी धाका रहने वाला है? तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि संघर्ष 2 जो फिल्म है वो काफी हाई बजट के साथ बनाया गया था। संघर्ष 2 खेसारी लाल यादव का अपने जीवन का सबसे बड़ा फिल्म है और इस फिल्म को अनेक बड़े बड़े शहरों में शूट किया गया था। तो गाइस इस फिल्म का अलग ही क्रेज रहने वाला है। लेकिन बात की जाए दोनों फिल्मों में एक्टिंग की तो फरिश्ता फिल्म को 100 में से 200 नंबर मिलेगा। भाई लोग दोनों फिल्में बेस्ट रहने वाली है तो मैं तो दोनों फिल्मों को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग एक्साइटेड हो या ना, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दीजिएगा। और यदि आप भी खेसारी लाल यादव का फैन तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।